डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी वेक्टर बाय सर्वेट लॉ में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सपोज करो, डायरेक्शन कैलकुलेट करने से पहले एक क्वेश्चन है। मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है आई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी हैं। तो बेसिकली क्या ये शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूल्स से पॉजिटिव से नेगेटिव, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो कैसे बनती हैं, इसके भी रूल्स हैं, पर मैं आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसी होती है। तो अगर करंट कैरिंग वायर है आपके सामने है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखना। ये करंट कैरिंग वायर है ऊपर की तरफ, मान लो करंट जा रहा है, ठीक। अगर आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो आप अपना राइट हैंड लेफ्ट नी का थंब करंट के साथ ले जाए, ले गए, तो राइट हैंड का थंब करंट के साथ चला गया, और अपनी चार फिंगर को गोल घुमाएं। अब अगर फिंगर बड़ी होती मैं गोल घुमा के पूरा सर्कल ड्रॉ कर देता ऐसा, ठीक है, मेरे फिंगर गोल है तो ऐसे मैं गोल गोल घुमा सकता था। तो और कोई कहेगा मेरा हाथ बहुत लंबा है जी, मैं कहा ठीक है तो बड़ा सर्कल ड्रॉ कर, कोई छोटा है जी तो छोटा सर्कल ड्रॉ कर ले, क्या फर्क पड़ता है। तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से कैसी बनेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे, ये देखो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके आसपास इमेजिनरी है, प्लीज ये इमेजिनरी है, ऐसी बनेंगी, ये देखो ये ऐसी बनेंगी और फिर ऐसी बनेंगी ऐसे, तो कुछ नहीं है इमेजिन, ये सब रेड कलर की लाइंस इमेजिनरी हैं। तो मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं गोल ऐसे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्कल क्या, ये मतलब ऐसे जान के बनाया या गलती से बन गया, स्पेसिंग जान के बनाई है। शुरू में वायर के पास जो भी पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और दूर जाने पर वीक होगा, तो वीक जहां पर होगा लाइन्स में डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जहां स्ट्रांग होगा वहां लाइन्स में डिस्टेंस कम होगा। तो आपके सामने ये स्ट्रांग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। तो क्वेश्चन आएगा, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है यहां तक, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सपोज किसी ने कहा कि सर ठीक है आप ये बताओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है, ड्रॉ अ टेंजेंट। आपको याद है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट लें और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ लाइंस की भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर कोई पॉइंट लें और टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको देगा। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने करंट कैरिंग वायर है आई, ये मान लो इसके आसपास क्या गिवन है, एक लाइन लेता हूं, इमेजिनरी लाइन गिवन है, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, मान लो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। किसी ने यह कहा कि सर एक बात बताओ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करो। अब क्योंकि करंट ऐसे है तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, करंट नीचे होता मेरी फिंगर्स उल्टी घूम रही होती। तो अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे घूम रही है इमेजिनरी, और किसी ने कहा कि बताओ इस पॉइंट पर बी क्या होगा, तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, ये डायरेक्शन है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की। किसी ने कहा यहां पर क्या होगा, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, ये देखो ये डायरेक्शन। किसी ने कहा यहां क्या होगा, आई ड्रॉ अ टेंजेंट, यहां पे क्या होगा, आई ड्रॉ अ टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर होगी जहां पर भी आपको बी पूछा जा रहा है वहां पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ए टेंजेंट आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने फिर से एक बार करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, और इमेजिन करो कि ये आपके सामने कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ की ऐसी, ये लो इमेजिनरी है प्लीज। और किसी ने कहा कि सर एक काम करो इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा इस तरफ, सिंपल।
किसी ने कहा इसके ऊपर क्या होगी, मैंने कहा बी की डायरेक्शन इस तरफ, ड्रॉ अ टेंजेंट। किसी ने कहा यहां पर क्या होगी, मैं बोलूंगा इस तरफ, और किसी ने कहा यहां पर क्या होगी, आई ड्रॉ अ टेंजेंट इस तरफ। क्लियर है यहां तक? अब प्रैक्टिकली देखें, ये करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ करंट है, थंब ये रहा, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर। तो किसी ने पूछा कि सर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो आप, आपका थंब ऊपर है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेंगी। तो आप अगर यहां पे बी निकालना चाहते हो तो टेंजेंट कहां जाएगा, इनसाइड, यहां पे जाएगा, देखो अंदर ऐसे, इमेजिन करो एक सर्कल है तो ऐसे, और अगर लाइन यहां से बाहर आ रही है और यहां पे कैलकुलेट करें तो टेंजेंट कहां आएगा, बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये मेरी फिंगर्स हैं, प्लीज इमेजिन करना है गोल, ये सर्कमफेरेंस देखो, तो ये नहीं देखो स्टील मत देखो, सिर्फ आउटर सर्कल देखो। तो मान लो ये करंट कैरिंग वायर का ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, किसी ने कहा इसका बी यहां पे क्या होगा, आई ड्रॉ टेंजेंट आपकी तरफ आएगा आउटसाइड। किसी ने कहा यहां क्या होगा, आई ड्रॉ टेंजेंट इनसाइड। किसी ने कहा यहां क्या होगा, आई ड्रॉ टेंजेंट इस तरफ। किसी ने कहा यहां क्या होगा, आई ड्रॉ टेंजेंट इस तरफ। किसी ने कहा यहां क्या होगा, आई ड्रॉ टेंजेंट टेढ़ा। नॉर्मली आपको चार पॉइंट्स आते हैं न्यूमेरिकल में, पहला एक, दो, तीन, चार। तो करंट कैरिंग वायर ऊपर है ये रहा, तो यहां पर आएगा तो इधर, यहां पर आएगा तो इधर, यहां पर आएगा इधर, और यहां आएगा इधर। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? अब फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में लगा के देखते हैं। सपोज करो आपको एक करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये रहा करंट कैरिंग वायर आई, कोई पॉइंट मैंने यहां पर लिया और ये पूछा कि बताओ पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सबको पता है कि थंब अगर करंट के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरी फिंगर ऐसे घूम के बाहर ऐसे घूमेंगी, और ये पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल साइड वाला पॉइंट है, जैसे ये वायर बिल्कुल साइड वाला पॉइंट है, तो जब ऐसे फिंगर्स घूमेंगे ड्रॉ अ टेंजेंट तो इनसाइड, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों क्यों, ये मेरा थंब है, फिंगर्स कैसे जा रही है, बोर्ड के अंदर, और अगर कोई पॉइंट क्यू यहां पर है तो ऑब्वियसली वो फिंगर्स अंदर जाएंगी बोर्ड के, घूम के बाहर भी तो आएंगी। तो थंब अगर इधर है तो फिंगर्स कहां आ रही हैं, आउटसाइड, तो यहां पर बी कैसे होगा, आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको यहां तक? यस सर। यस सर। सिंपल, आप कुछ नहीं करना, ये करंट कैरिंग वायर है, अगर पॉइंट यहां है, करंट ऊपर है तो इनसाइड, यहां पर है आउटसाइड, अगर करंट नीचे है, नीचे है और ये पॉइंट है, अब नीचे है और ये पॉइंट है, तो यहां पर बी की डायरेक्शन बोलो, करंट नीचे है तो थंब भी नीचे है, थंब नीचे है तो यहां पर फिंगर्स कैसे आएंगी, इनसाइड। ये देखो ऐसे, जैसे सपोज करो करंट कैरिंग वायर है, इस बार करंट कहां है, नीचे है, नीचे है, तो मैंने कहा कि यहां पर बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड थंब, तो कैसे, आउटसाइड, तो यहां पर भी कैसे होगा, आउटसाइड, और अगर कोई पॉइंट यहां पर है थंब करंट के साथ तो भी कैसे है, इनसाइड, तो यहां पर भी क्या होगा, इनसाइड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस। एक और चीज समझो, किसी भी चीज को डायरेक्शन ड्रॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर बनाया जाता है, वेक्टर की शक्ल ये होती है, और अगर वेक्टर आपको ऐसा दिख रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपको ये टिप नजर आ रही है, डॉट नजर आएगा, तो आपको बाहर की तरफ डॉट नजर आएगा, ये नजर आएगा डॉट, और पीछे का हिस्सा वेक्टर का क्रॉस होता है, क्रॉस, तो पीछे का हिस्सा क्रॉस। तो अगर सोचो ये वेक्टर अंदर जा रहा है, मींस इनसाइड जा रहा है, ये वेक्टर इनसाइड, तो आपको पीछे का हिस्सा दिखेगा, तो यहां पर क्या आएगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, और अगर डायरेक्शन आउटसाइड आ रही है वेक्टर की तो आपको ये डॉट दिखेगा, तो यहां पर क्या आएगा, तो याद रखना डॉट का मतलब आउटसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड। क्लियर है यहां तक? जैसे मेरे को मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मेरे को मेरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गिवन है, मेरे को ये गिवन है कि बी की डीबी की वैल्यू निकाल लो, वो तो मैंने निकाल ली थी। सपोज करो अब करंट कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और मुझे यहां पर बी की डायरेक्शन बतानी है थंब करंट के साथ, तो बी वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड,
तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इनसाइड, या इनसाइड की जगह क्या ड्रॉ करूंगा, क्रॉस। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो निकाली ली टेस्ला में, एंड में डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, या इनसाइड लिख दें या क्रॉस लिख दें, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें। तो लिखा हुआ है डॉट का मतलब आउट है और क्रॉस का मतलब इन है, यहां तक क्लियर है सबको?